चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता कभी जानबूझकर कुछ ऐसा अनर्गल बोल जाते हैं जिसका बाद में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पर मजाक बन जाता है। आज लाउडस्पीकर में हम आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सुनाते हैं जिसमें वो बीजेपी पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाया है, उससे हमें क्या। लेकिन उनकी जुबान फिसली और आर्टिकल 370 की बजाय आर्टिकल 371 बोल दिया। आप भी सुनिए। अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान है, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े हैं और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया, मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने 370 को 371 पहली बात बोला, उन्होंने बोला कि राजस्थान में कहा कि यहाँ 370 से क्या मतलब, कश्मीर में बात कर रही 370 का। इसलिए मैंने कहा ना कि खड़गे जी ने जो बोला है वो 370 को 371 बोल गए। कांग्रेस भी अब 370 को भूल गई है, लाहौर की छाती पर भी तिरंगा फहराया जाएगा, ये तैयारी है हमारी।